नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बात हरियाणा की है और खबर ये खबरदार करने वाली है आपको। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, यानी वो खट्टर जो 10 साल से हरियाणा को अपने मुट्ठी में कैद करके रखे, मुख्यमंत्री भले बदल गया हो, नायब सिंह सैनी भले ही सीएम हो, लेकिन आज भी हरियाणा के सियासी जानकार यही कहते हैं कि नायब सिंह सैनी सिर्फ मुखौटा है, प्रदेश अध्यक्ष किसे बनना है खट्टर तय करते हैं, फैसले क्या होने हैं खट्टर तय करते हैं। यानी खट्टर आज भी हरियाणा की चाबी लेकर के बैठे हैं। इन्हीं खट्टर साहब से के बहुत करीबी एक खास हैं, अजीज पूर्व मंत्री हैं, खबर उनसे जुड़ी हुई है। साहब 10 साल से भाजपा सत्ता में है, तो सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलेगा, और जब नशा हर लिमिट क्रॉस कर देता है तो फिर नशा जानलेवा हो जाता है। अब लग ऐसा ही रहा है कि हरियाणा के सत्ताधीशों का नशा जानलेवा हो चुका है। खट्टर का करीबी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, यह शख्स पत्रकारों को सड़क पर जान से मारने की धमकी देता है, इसका बेटा धमकी देता है, मां बहन की गालियां दी जाती हैं समर्थकों के साथ घर के बाहर ही। और अब तक इस मामले में चिट्ठी लिखी गई मुख्यमंत्री को, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई रिप्लाई नहीं आया है। हरियाणा से वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, और पत्रकारिता, हरियाणा की पत्रकारिता बड़े लंबे वक्त से कर रहे हैं। जगदीप सिंह सिंधु जी, सिंधु साहब को जोड़िए। मैं सिंधु साहब से सवाल करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा खबर थोड़ी सी बता देता हूं, बाकी डिटेल में सिंधु साहब बताएंगे। दरअसल एक सुनील राहड़ नाम के पत्रकार हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, ऐसे वैसे पत्रकार की नहीं बात कर रहा, हिंदुस्तान टाइम्स के, और इनके साथ कैमरा पर्सन जो फोटो जर्नलिस्ट, उनका नाम है मनोज ढाका। करीब 26-27 साल से मनोज भी काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के साथ लंबे वक्त से काम कर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनीष ग्रोवर और बोलते हैं कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। यही खबर हिंदुस्तान टाइम्स में सुनील लिखते हैं, और बाकायदे उसमें जब लिखा जाता है, हम लोग पत्रकार हैं तो किसी के बारे में लिखते हैं तो थोड़ा सा उसका इतिहास भूगोल बताते हैं, उसके नए नक्श बताते हैं, उसका चाल ढाल बताते हैं, चाल चलन भी बताते हैं, तो बता दिया उसमें कि ये टेंटेड है और उसके पीछे वजह भी बताई। इन्हीं के पार्टी के सांसद हुआ करते थे अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा ने आरोप इन पर लगाया था अमृत स्कीम में गड़बड़ी को लेकर के। इन्होंने नगर पालिका के प्रचार में कहा कि जो चाहिए, मैं हथियार चाहिए हथियार दे दूंगा, चुनाव जिताओ। मतलब इनके बयानबाजी, इनके इन पर एक मैं अखबार की कटिंग एक है, कंट्रोल रूम जरा दिखा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट शायद मतलब अदालत के दखल के बाद इन पर मुकदमा देखे, 2.5 महीने बाद मंत्री ग्रोवर और रमेश लोहार पर केस दर्ज। इस पूरी खबर में जो है वो खबर में है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश इस सब के मामले में हुआ था। तो इनको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महापुरुष महात्मा संत, क्या लिख दें इनके लिए भाई ग्रोवर जी के लिए, इन्हीं से पूछ के या तो लिखा जाए अखबार में इनसे पूछ के छपे, या अपने बेटे से ही लिखवा के भेज दिया करें कि आज ये छापना है, खबर के बजाय विज्ञापन में छपवाओ, अखबार आजकल विज्ञापन के लिए तो छाप ही देंगे कुछ भी, सब कुछ इनके हिसाब से चले। ये सत्ता का नशा है इनका। अब यही लिख दिया टेंटेड, और अगले ही दिन जो चुनाव न लड़ने का ऐलान किए थे फिर से कहे नहीं चुनाव लड़ूंगा। अखबार की तरफ से फिर सुनील ने इनसे बातचीत की, बेटे ने घर बुला लिया। अब घर बुला लिया उसके बाद शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया, गालियां कितनी दे सकते हैं, धमकी कितनी दे सकते हैं, कहां पे मारेंगे बताने लगे। रोहतक के पत्रकारों ने भी मुख्यमंत्री को, जो मैं कह रहा था कि कोई संज्ञान नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ज्ञान इन लोग के सुनिए, सत्ता का नशा कैसे चढ़ता है दिमाग पर, इसका उदाहरण है। मैं चिट्ठी भी दिखाइए, चिट्ठी कंट्रोल रूम, जो चिट्ठी लिखी गई मुख्यमंत्री को,
मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई, ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, विषय पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर के। इसमें सब कुछ लिखा है कि सरेआम सड़क पर धमकी दी है, मारने की धमकी दी, सब कुछ लिखा है। और रोहतक के पत्रकारों ने नीचे दस्तखत कर रखा है। ये देखिए, रोहतक के जो भी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, सब दस्तखत करके भेजे हैं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं। अब मैं बाकी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संस्थानों को अपने पत्रकारों के हितों के लिए लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, जब तक रहा सक्षम संस्थान में किसी, तब तक लड़ा और आज भी लड़ता हूं। सिंधु साहब, ये क्या है, मनीष ग्रोवर का इतिहास भूगोल क्या है भाई? ये आदमी तो बड़ा ताकतवर दिखाई दे रहा है, सड़क पर निपटा देगा आदमी को। कुछ एक्स्ट्रा पावर है इसके अंदर क्या, या खट्टर साहब से कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलती है इसे? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने एक कार्यकर्ता के रूप में रोहतक में और रोहतक के आसपास ये सक्रिय रहे, और मनीष ग्रोवर के बारे में जो इनके भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय अन्य नेता हैं जो दूसरे वर्गों से हैं, उनके साथ जो इनके आंकड़े हैं वो भी जग जाहिर हैं। और जिस प्रकार से ये अपने ही एक समूह में, अपनी पार्टी के में जिस तरह से एक वर्चस्व कायम करना चाहते थे, उसके लिए बहुत बार विगत 10 सालों में कई तरह के आक्षेप लगते रहे हैं। हालांकि वो सतह पे नहीं आए, अखबारों में नहीं छपे, लेकिन इस तरह की बातें होती रही। रही बात मनीष ग्रोवर की, तो इनकी राजनीति जो है वो एक शहर तक सीमित है। मनीष ग्रोवर की हैसियत एक शहर की म्युनिसिपल लिमिट के बाहर कहीं नहीं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये अपने आप को एक एक बहुत बड़ा नेता और बहुत ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं, और उन्होंने इस प्रकार की बहुत से काम करने की कोशिश की, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें अलग-अलग सामाजिक वर्गों ने कई बार उनके लिए मुख्यमंत्री तक को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनको विशेष एक राहत दी हुई थी, एक एक विशेष प्रेम के तहत। और आप ये देखिए कि जिस वर्ग को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उस वर्ग में अन्य नेता भी थे, उनका भी कई बार इस प्रकार से मनोहर लाल जी को कहना था कि आप किसी विशेष व्यक्ति को एक विशेष राहत दे रहे हैं या विशेष दर्जा दे रहे हैं जो शायद उसके लायक नहीं। ऐसी बातें भी भारतीय जनता पार्टी में कभी हुई थी। उसके अलावा अगर मान लीजिए मनीष ग्रोवर की बात करें, तो जो शब्द इनके बारे में लिखा गया वो नाहक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 2016 में, हाँ 2016 की बात होगी, जो जाट आरक्षण को लेकर दंगे हुए थे, उनमें भी एक जो समूह था, उस समूह को के लिए जो जो उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई, वहां भी बोलने में मनीष ग्रोवर का नाम आया था एक बार। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रोहतक में ये अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए किस तरह के कारनामे करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, या क्या कार्यशैली है। वो अब स्पष्ट रूप से चुनाव अब आ गए हैं हरियाणा में, और आप देखिए कि ये जो धमकी दी गई है ये चुनाव से ठीक पहले दी गई है, ताकि एक संदेश पूरे प्रदेश में उन सभी पत्रकारों तक पहुंच जाए जो चुनाव कवर करने वाले हैं, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और जो होने जा रही है उसको किसी प्रकार से संभाला जा सके, ताकि पत्रकार जो है तथ्यात्मक और सच्चाई को पूरी तरह से उजागर ना करें, वो कहीं सहम जाए, वो कहीं रुक जाए। तो ये मैं देखता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने ये कार्य किया है, क्योंकि सुनील राहार, मनोज ढाका जब उनके घर पे जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, उनका बेटा वहां मौजूद होता है, उसके साथ 8-10 लोग वहां मौजूद रहते हैं जो समर्थक टाइप हैं, और जो अपने आप को बड़े विशेषाधिकार से सम्मिलित पाते हैं, तो वो लोग जिस तरह से व्यवहार इन पत्रकारों के साथ करते हैं, उसके बाद फिर जो मनीष ग्रोवर खुद आते हैं तो वो उनसे
इस लहजे में बात करते हैं जैसे कि वो बहुत एक 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 जज है और ये अदालत में इसको अपना स्पष्टीकरण देना, ये पत्रकारिता की या पत्रकारों का जो सम्मान है, पत्रकारिता की जो गरिमा है, ये उसमें सीधा सीधा सा हमला है। जगदीप जी हमला है, लेकिन क्या हरियाणा के पत्रकार इतने कमजोर हैं, बैकफुट पर हैं, चिट्ठी लिख करके बैठे हैं, कब आका खुश होंगे? ये हमने हमने अपना मालिक थोड़ो बैठाया है, नायब सिंह सैनी को बिठाया है अगर मुख्यमंत्री के रूप में, तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के पत्रकारों के, हरियाणा के लोगों के मालिक नहीं है, न खट्टर मालिक है। खट्टर तो कृपा पात्र है, खट्टर राजनीति में खट्टर को कौन जानता था जी। ये खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, गूगल पे मैं बता दूं, खट्टर जब मुख्यमंत्री बने, ये सब पर्ची छाप मुख्यमंत्री जो बने हैं भाजपा ने मोदी और सहयोग में, फोटो हम लोग भी नहीं जानते थे, तमाम पत्रकार, तमाम जो है प्रोड्यूसर जो न्यूज रूम में होते हैं वो पूछते थे, सर आप पहचानते हो क्या खट्टर को? और अच्छे अच्छे जिनका अनुभव था, जो हरियाणा की पत्रकारिता, कुछ हम लोग हरियाणा के पत्रकार उस बात की, हरियाणा के कई पत्रकार कहे साहब पहचानते तो हम भी नहीं है। जी बिल्कुल सही, तो ये हालत थी। अब ये सब पर्ची वाले ये तकदीर तय करेंगे पत्रकारों को, मैं पत्रकारों पे भी सवाल करूंगा। आप जगदीप साहब, आप वक्त लंबा गुजारे हैं हरियाणा के हर जिले में, आप लोग जानने वाले हैं, और ये ग्रोवर के लिए तो मैं कह रहा हूं, हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और हरियाणा का चुनाव है, मैं आऊंगा रोहतक। जी 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 नहीं बिल्कुल रोहतक आऊंगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जिस प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी में विशेष तौर पे पत्रकारों के प्रति जो एक दृष्टिकोण बना हुआ है उसका उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नकारात्मक है और पत्रकारों की गरिमा और उनकी अस्मिता के ये सवाल है, उस पर ये सीधा हमला है और उनको एक तरह से इस तरह मान लिया जाना कि वो उनके लिए ही काम करेंगे, ये मुझे मेरी समझ से, सामान्य समझ से बाहर है। मुझे पत्रकारिता में इतना वक्त हो गया है सब कुछ देखते हुए और जानते हुए और अपने आदर्शों और मूल्यों के ऊपर खड़े रहते हुए हमने हर तरह की चीजें झेली हैं और बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक हैं जिनको पूरे हरियाणा या अन्य प्रदेशों में भी हमने सामना किया है और बहुत बड़े ऐसे रिपोर्ट्स की हैं जिनके लिए बहुत टाइम हमें अपने आप को ओझल भी रखना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पत्रकारिता अपने आप में कोई व्यक्ति खुद के लिए नहीं करता, समाज के लिए की जाती है और वो पूरे समाज के लिए वो अपना अपना दायित्व निभाता है और उस दायित्व के चलते हुए अगर वो किसी राजनेता से जो सवाल करता है, जो उसकी उसके जितने भी कार्यशैली है उसके लिए जो भी सवाल उठाए जाते हैं या उसको जिस तरह से एक पत्रकार डिकोड करके सरल भाषा में लोगों को समझाता है, तो इनको जो आपत्ति हो रही है, इनको जो तकलीफ हो रही है वो ये है कि इनके जो भी कारनामे हैं उनको उस तरह से ना बताया जाए, उस तरह से ना दिखाया जाए जैसे वो वास्तविकताएं हैं। तो ये एक दृष्टिकोण जो भारतीय जनता पार्टी में खासतौर बहुत से लोगों में पाया जाता है, ये वाकई निंदनीय है और इसके अगेंस्ट में सारे जो जर्नलिस्ट हैं हरियाणा के उनमें भारी रोष है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी और विपक्ष में पूरे हरियाणा के विपक्ष ने एकजुट होकर इनके पक्ष में ये बात कही है और पत्रकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए सभी बड़े नेताओं ने आवाज उठाई है और आने मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हरियाणा सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा, पार्टी को अपने अपने स्तर पे संज्ञान लेना पड़ेगा, प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनको संज्ञान लेना पड़ेगा और इस बात को जितना जल्दी हो सके उसको एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे लाना होगा। अदरवाइज ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से डेंट करेगा आने वाले चुनाव में और पत्रकारिता में जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी समझती है कि पत्रकार केवल उनके लिए बोले तो वो दौर खत्म हो चुका है, ये इनको समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं इस चर्चा में बस आखिर में इतना कहूंगा कि जो मीडिया हाउस संस्थान है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही बनती है, अगर उनके पत्रकार, उनके जो है कोलीग्स, उनके जो है साथी सहयोगी इम्प्लॉय
अगर उनकी इज्जत जाती है तो पूरी मीडिया हाउस की इज्जत जाती है। दिक्कत यह है कि आजकल मीडिया हाउस, पत्रकारिता के जो भी संस्थान है, इनकी इज्जत रही नहीं गई, ये जी, इज्जत गंवा चुके ये हैं ये सूचना और जनसंपर्क के विज्ञापनों के चक्कर में। नहीं तो ऐसी स्थिति में मैं बता रहा हूं, मैं आपने तो लंबा वक्त और दिया है सिंधु साहब, सरकार के और सरकारी खबर, सरकार के लोगों के, भाजपा के की खबरों का अभी पूरा का पूरा ब्लैकआउट कर दीजिए, हरियाणा में घुटने पे आ जाएंगे। सिर्फ प्रचार तंत्र और खासकर भाजपा, ये भाजपा के लिए खास कर बताता हूं, क्योंकि भाजपा की पूरी राजनीति प्रचार तंत्र पर है, कंप्लीट प्रचार, टीवी पर कब्जा। और हरियाणा में तो मुझे जो जानकारी है, हरियाणा में तो मतलब कोई भी चैनल जिसका व्यूअरशिप हो ना हो, रीच हो ना हो, वहां पर सुना हो कि दुकान अच्छी चलती है, सूचना में विज्ञापन का बंटवारा जो कहते हैं कि आरो मिल जाएगा 4 लाख का महीने का, 5 लाख का महीने का, वो सुनता हूं कि सबसे फर्टाइल उसके लिए हरियाणा का सूचना और जनसंपर्क विभाग है, सूचना विभाग। वहां पर मैं तमाम राज्यों के छोटे छोटे चैनल जो केवल उगाही के लिए ही चल रहे हैं सेटेलाइट के नाम पर, वो सारे सुनता हूं कि हरियाणा में जरूर जाकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कि 3-4-5 लाख रुपए महीने बंध जाए। जी 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 जी, ये सूचना विभाग का तो अभी कारनामा सामने उजागर हुआ है। पीछे अब जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की फतेहाबाद में सभा थी तो भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में किए गए 7 कामों को उन्होंने गिनवा दिया, तो उसमें बड़ा बवाल हुआ कि आखिर इतना बड़ा निदेशालय, इतने बड़े इतने अधिकारी कर्मचारी और इतना रिसर्च भी आखिर कर क्या रहा है, और उनको किस चीज की तनख्वाह मिल रही है, जब तक जब उनको यही ज्ञान नहीं है कि कौन से काम किस सरकार के समय में हुए हैं। और सार्वजनिक मंच से एक मुख्यमंत्री उन कामों को गिनवा रहा है जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने किए हैं, तो ये स्थिति स्पष्ट करती है कि जो निदेशालय है, जो सूचना प्रसारण निदेशालय है, वो किस प्रकार से हरियाणा में काम कर रहा है और किसके इशारों पे कितना गंभीर होकर काम कर रहा है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये एक एग्जाम्पल तो जब शुरू में भी है, जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन के आए थे और 26 जनवरी को जब पहली बार वो गणतंत्र दिवस पे झंडा फहरा रहे थे और उसमें भाषण दिया था, तो उस भाषण में भी एक उनसे चूक हुई थी और वो गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस बोल गए थे, तो उस वक्त भी कई लोगों ने इस बात को उठाया था कि आखिर इतने बड़े अधिकारियों का अमला होने के बावजूद जो उनके भाषण लिख के देते हैं, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो ये कई तरह की ऐसी इस तरह की बातें होती हैं। पत्रकारों के दमन, उत्पीड़न और धमकी की खबर के बीच ये बड़ा हास्य वाला आपने खबर, हास्य नहीं है ये, गंभीरता है, ये राष्ट्रवादियों की पहचान है, स्वतंत्रता गणतंत्रता में फर्क ही नहीं पता है, इसमें सूचना वालों गलती नहीं मानता हूँ। इसके लिए इनको कोई पुरस्कार देना चाहिए, पुलित्जर टाइप में या कोई और बड़ा पुरस्कार हो खट्टर साहब को, यही सब होता है। कृपा पर बनने वालों के, कृपा पर मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ बन जाओ, ज्ञान स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस कुछ पता ही नहीं है। चलिए राम भरोसे, ऐसे ही लोगों को पर्चियों से आजकल निकाला जा रहा है। आजकल तो लॉटरी है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लॉटरी किसकी खुल जाती है, लॉटरी सिस्टम है। पहले होता था जनता किसे चाहती है, जनाधार किसका है। जब लॉटरी युग होगा तो लॉटरी युग में ऐसे ही धमकीबाज आएंगे और धमकीबाजों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, संज्ञान भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब जनाधार वाले नेता सत्ता में होते हैं तब वो जन भावनाओं की कद्र करते हैं। जनाधार वाले नेता हमेशा जन भावनाओं की कद्र करते हैं कि इससे जन भावनाएं हमारे विपरीत जाएंगी, खिलाफ जाएंगी। लेकिन पलची वाले मुख्यमंत्री सिर्फ आका के हुक्म का इंतजार करते हैं और जब आका का जो हुक्म आता है उसी का तामील करते हैं, क्योंकि उन्हें जनाधार से कोई मतलब नहीं है। जिसका जनाधार नहीं है वो जनभावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखता है। तो ऐसे ही लोगों के हवाले है, पत्रकारों से एक ही अपील है, वो किसी भी देश के कोने में हो, हरियाणा में है या कहीं भी, डरिए मत भैया, झुकिए मत। ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़िए, कानपुर प्रेस, अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, और जब कानपुर दंगे में झुलस रहा था अंग्रेजों की सातिर नीतियों से, तो निकल पड़े, उस वक्त भी जान चली गई, जान गंवा दी उन्होंने, वो पत्रकारिता के पुरोधा हैं।
दलालों को, पत्रकार के शक्ल में घूम रहे दलालों को आप लोग अपना आदर्श आइडियल मत मानिए। कोई धमकी दे करके कुछ नहीं कर पाएगा। धमकी, कोई अमर होके आया नहीं है इस धरती पर, बहुत साफ साफ है, आखिरी वर्ड यही है, कोई अमर होके नहीं आया, जो आया है सबको जाना है। अब जाते जाते अपना काम कितनी ईमानदारी से हम करके जाते हैं, बस यही महत्वपूर्ण है। तो अपना काम ईमानदारी से करिए, डरिए मत, लड़िए। और मैं हरियाणा के पत्रकारों से अभी भी चलते चलते कह रहा हूं, सिंधु साहब बैठे हैं, इस मुद्दे को, ऐसे धमकीबाजों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे धमकीबाजों का मनोबल बढ़ता है, गालीबाजों का मनोबल बढ़ता है। हरियाणा के पत्रकारों को एक होना होगा, एक होना होगा, चाहे उसके लिए खबरों का ब्लैकआउट करना पड़े, चाहे सड़क पर उतरना पड़े, अनशन करना पड़े, धरना करना पड़े, लेकिन उतरना हो। और जहां जरूरत होगी वहां आश्रय चित्रांसी, न्यूज लॉन्चर, अशोक वानखेड़े मौजूद होंगे, ये वादा मैं करता हूं। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता धमकीबाजों, गालीबाजों को। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक पत्रकारिता का सवाल है, पत्रकारिता अपने सिद्धांतों पे की जाती है और पत्रकारिता लोगों के लिए की जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि जो राजनीतिक चाहते हैं या जो सत्ता चाहती है केवल वही एक पक्ष दिखाया जाए। पत्रकारिता में सभी पक्षों को समानांतर और संतुलित रूप से दिखाना आवश्यक है, ये उसका सिद्धांत है। और अगर उसी तरह से जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सरकार के द्वारा एक तरह से एक समर्थन होना चाहिए, जबकि वो आलोचना सरकार अपने सकारात्मक तरीके से उसको स्वीकार करना सीखे। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उस दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी सरकार की जो चूक है उनकी अगर आलोचना कहीं होती है तो उस आलोचना को सरकार नकारात्मक रूप से लेती है और पत्रकारों को उसके लिए बहुत सी चीजें झेलनी पड़ सकती हैं और पड़ती हैं। और ये जो एक वातावरण है, इस वातावरण को हटाना होगा और ये पत्रकारिता अपने तरीके से सैद्धांतिक रूप से और एक स्पष्ट और ईमानदारी के और निष्ठापूर्वक तरीके से होना आवश्यक है। ये भी समानांतर एक आवश्यकता है पत्रकारिता की। और मुझे लगता है कि जो अभी पत्रकारिता में जो 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 अभी लोग हैं और उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया है और जिस तरह से उनको धमकी मिली है, उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है अपनी पत्रकारिता का, वो बड़ा साफ और स्पष्ट है और ईमानदारी और निष्ठा भरा है। तो इस प्रकार के पत्रकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, बनिस्पत इसके कि उनको इस तरह के कामों के लिए किसी भी तरह की कोई धमकी किसी भी माध्यम से दी जाए। तो इसके लिए एक विशेष ध्यान सभी राजनीतिक पार्टियों और सत्ता को रखना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल। और इस मामले में देखिए, मैं तो कतई भी ऐसे मामलों में झुकता नहीं। मैं इसी केवल पत्रकारों पर, एक पत्रकार को थप्पड़ मारा गया था उन्नाव में, उसके बाद मैंने बस एक डिबेट में ऐलान कर दिया और फिर मैंने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली यूपी का बॉर्डर और यहां से लखनऊ तक की 600 किलोमीटर की पदयात्रा की, इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। जी, इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जरा भी नहीं, मैं बार बार कहता हूं पत्रकारों से, जरा भी नहीं झुकना है। और एक बात, अभी आपने कहा था कि संतुलन पत्रकारिता, मैं तो संतुलन को भी नहीं मानता, जो है ईमानदारी से कहना है हमें, संतुलन भी नहीं। संतुलन तो किराने की दुकान पे बनता है कि एक तरफ बट होता है, बाट होता है और एक तरफ सौदा होता है। हम लोग सौदागर भी नहीं, वो संतुलन नहीं। संतुलन मेरा कहने का मतलब है कि निष्ठा, ईमानदारी, सत्य का निष्ठा, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और खबरों में कोई नहीं, खबर एसपी सिंह गिने चुने लोग हैं पत्रकारिता में इस दौर में, पिछले 2-3-4 दशक में, जिनकी वाकई इज्जत होनी चाहिए। एसपी सिंह साहब थे इस देश का जो आज की तारीख में कहता है सबसे तेज, सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्या क्या, उस चैनल की नींव रखने वाले, वो कहते थे जी। कि खबर तो हमेशा निगेटिव होगी, पॉजिटिव जो है वो सिर्फ विज्ञापन होगा। जो पॉजिटिव लिख दिया वो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, खबर तो निगेटिव होती है। और मैं बार बार एक बात हमेशा से कहता आया हूं पत्रकारिता के लिए कि पत्रकारिता सरकारी हो ही नहीं सकती, पत्रकारिता की रूह ही सरकारी नहीं है। पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता का एक ही शक्ल हो सकता है, एक ही स्वरूप हो सकता है, वो जन सरोकारी,
सरकारी पत्रकारिता नहीं होती है, सरकारी तो भाट और चारण होते हैं जो अपने तारीफ। आशीष जी, जो अखबार है या जो भी पत्रकारिता के माध्यम है, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि वो कभी किसी की प्रमोशन के प्लेटफॉर्म नहीं होते, वो सच्चाई और सत्यता और वास्तविकताओं के बयान के लिए होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रमोशन के प्लेटफॉर्म नहीं हो सकते, और किसी सत्ता या सरकार या किसी पार्टी की विचारधारा के प्रमोशन के प्लेटफॉर्म नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं होंगे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए, और इसलिए जो भी खबरें होती हैं या जो भी विचारधारा व्यक्त की जाती है एडिटोरियल में, उसमें भी ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या दृष्टिकोण सामने आ रहा है, और निर्णय करने का विवेक जो है वो दर्शक पे है और वो पाठक पे है, हम लोग उसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन जो तथ्य हैं वो निष्पक्ष तौर से पूरे दर्शकों तक जाने चाहिए, यही हमारा कर्म है और यही धर्म है, मैं ऐसा मानता हूँ, और उसी का निर्वाह करते हुए ये हमारे साथी पत्रकार अपने काम में लगे हुए थे जिनको ये धमकियां मिली। ये कर्म भी निभाया जाएगा, धर्म भी निभाया जाएगा, और ग्रोवर साहब जैसे लोगों से विनम्र निवेदन है कि सत्ता का जो भी ऊपरी मंजिल तक अगर कोई नशा चढ़ गया है तो उसको बकायदा निचली मंजिल तक ले आइए। ये सत्ता अस्थाई नहीं है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब क्षणभंगुर है, इसलिए जमीन पर रहिए। पत्रकार आपके लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए दिन भर खबरें तलाशता है, वो फॉर्चूनर में बैठ करके 10 लोगों के साथ फॉर्चूनर में बैठ करके भौकाल नहीं, जिसको कहते हैं सियासत में भौकाल, भौकाल नहीं बनाता है, वो दिन भर इधर से उधर खबरें कलेक्ट करता है और तब खबरें लिखता है। इसलिए पत्रकारों को धमकाना छोड़िए, जमीन पर आइए, चुनाव लड़िए या न लड़िए आपका फैसला है, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन मनोज ढाका और सुनील राहड़ इनकी इस लड़ाई में हम पूरी तरह साथ होंगे। जो भी इनके साथ हुआ है, जहां भी ये जिस कदम पे, जहां भी ये कदम रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस लड़ाई में, वहां पर हम सब साथ होंगे, जगदीप सिंह सिंधु साहब साथ होंगे, और उनके जरिए हम आप तक ये खबर लाते भी रहेंगे, क्योंकि वो लगातार इस सब में अपडेट लेते रहते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।